प्रारंभ करते हैं आज की यात्रा। आज मैं कह रहा हूं कि आपका अपना काम, आपका अपना प्यार पाने का रास्ता बहुत सरल है। आज मैं कह रहा हूं कि 5 सुपारियां आपके अपने जीवन को मधुर बनाएंगी। आज मैं कह रहा हूं कि 5 सुपारी एक कपड़े में बांधकर जहां मैं कह रहा हूं वहां रख देने मात्र से आपके जीवन में प्यार भरेगा। 5 सुपारी अगर आप वैसे देखने जाए तो 5 रुपए की भी नहीं है, यानी 5 रुपए के खर्च में आज आपका प्यार आपका अपना हो जाएगा। आज आपका रिश्ता आपके साथ होगा, आपका पार्टनर, आपका रिश्तेदार, आपका साझेदार या आपका अपना पति, आपकी पत्नी आपके ही हाथ में होगी। जैसे तुम चाहोगे वैसे जीवन चलेगा। जीवन में कटुता कठिनाई तब आती है जब मतांतर होते हैं, मतों का अंतर होता है। जब चिंतन में भिन्नता हो तो कहीं ना कहीं व्यवहार में भिन्नता आ जाती है। इस दिल रूपी जीवन को चलाए रखो, उपाय की ओर सीधा लेकर के चलता हूं। 5 सुपारियों का तिलिस्म है ये। अगर तुम किसी को अपने वश में करना चाहते हो तो आपको 5 दिन तक कंटिन्यू एक एक सुपारी को अपने मुंह में कम से कम 3-3 घंटे के लिए रखनी होगी, साबुत छोटी सुपारी। आप अगर पुरुष हैं तो दाहिनी तरफ रखें, आप स्त्री हैं तो बाईं तरफ रखिए। 5 छोटी सुपारियां 5 दिनों तक लगातार एक एक अपने मुंह में रखनी है। अब ये उनके लिए बड़ा आसान होगा जो खिला सकते हैं घिस घिस की। धीरे 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 आराम से खिलाइए महीनों तक, क्योंकि ये दवाई है, धीरे धीरे अंदर जाने दीजिए। जैसे जैसे अंदर जाएगी वैसे वैसे उनका मानस, उनकी मनसा, उनका चिंतन सब शुद्ध होगा और वो भी शुद्ध होंगे, तुम्हारे पक्ष में खड़े होंगे, जिसको तुम वशीकरण कहते हो, अगर खिला सकते हो, जिसको भी खिला सकते हो। दूसरा तरीका, आप इन सुपारियों को एक साथ मुंह में घड़ी को देख के 3 मिनट तक रख लीजिए और अपने मुंह में सलाइबा अधिक लाने की कोशिश करिएगा। उसके बाद किसी भी मिट्टी के बर्तन में रख करके कपूर खूब सारा डाल करके जला दीजिएगा, कम जलेंगी, कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा जलाने की। उसके बाद इसे कहीं भी दूर अपने ऊपर से उतार करके जमीन में गड़वा दीजिए। आपका सम्मोहन बढ़ेगा आपकी प्यार के प्रति। जब तुम मिलने जाओगे ना, जब तुम देखोगे पहली बार, जब आंखों से आंखें मिलेंगी तो बात कुछ और हो जाएगी। इसी में एक चीज और एड ऑन कर सकते हो, जब आप उस सुपारियां जलाओगे सेम टाइम थोड़ा सा ठंडा होने के बाद उसकी हल्की सी राख आंखों के बाहर की तरफ, अंदर की तरफ मत लगाइएगा, बाहर की तरफ काजल की तरीके से लगा लीजिए। ये काम आप रात्रि इत्यादि में कर सकते हो, सुबह धुल दीजिएगा। ऐसा करने से, एक बार लगाने से 2.5 साल का सम्मोहन बढ़ जाता है। तीसरा तरीका, इन 5 सुपारियों को रख करके पूरी तरीके से अच्छी तरीके से अपने इष्ट, अपने गुरु का नाम लेकर के पूजा कीजिएगा। पहले गंगा जल से स्नान कराइए, फिर रोली लगाइए, फिर अक्षत लगाइए, फिर पुष्प लगाइए, फिर धूप दिखाइए, फिर दीप दिखाइए, फिर भोग लगाइए, फिर प्रणाम कीजिए। और इनको चावल के साथ लाल कपड़े में करके जहां पैसे रखते वहां रख दीजिए, आपके घर की बरकत कभी भी नहीं जाएगी और आपके घर में बहुत सारा धन आएगा। पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करें, पूरे मन से करिएगा। अगर आपका रोग है, शारीरिक कोई कष्ट है, मानसिक कोई पीड़ा है, तो ये सुपारियां उतारकर भगवान शिव के ऊपर चढ़ाएं। सेहत के साथ आपका कल्याण होगा। खूब श्रद्धा विश्वास के साथ करना, गुरु के आदेश की आवश्यकता होगी। खूब मन से करना, खूब विश्वास के साथ करना, आप सफल हो ऐसी शुभकामनाएं करता हूं।